বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাইয়াবাড়ি এলাকায় আজ থেকে দীর্ঘ বছর আগে সংখ্যালঘু পরিবারকে থাকার জন্য রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় তৎকালীন সময় পাট্টা দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাইয়াবাড়ি মুসলিম পাড়ার সাত পরিবারকে উচ্ছেদ অভিযানে উত্তেজনা ছড়ায় বন দপ্তরের তরফ থেকে নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ শুরু হয়। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের সদস্যদের আর্ত চিৎকারে এলাকার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে ওই পরিবারগুলো বন দপ্তরের জমিতে বসবাস করে আসছে, বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করে বলে অভিযোগ। তারা তিরিশে জায়গায় কি কারণে ভাঙা হইলো স্যার, এটা আমরা উচিত বিচার চাই স্যার। কি কি ভাঙছে? বাগান কাটতে হয়েছে স্যার, আমরা সবকিছু শেষ করে দিয়েছি। কারা ভাঙছে? কারা ভাঙছে? আজকে অপারেশনের বিষয়টা কি ছিল স্যার? অ্যাকচুয়ালি জানুয়ারি 2020 में ये রায়াবাড়ি एरिया में কমিউনিটি ফরেস্ট লাইন রাইট जो पट्टा होता है वो दिया गया, जिसका एरिया करीब 40 हेक्टेयर था और वो एरिया जो आप कवर करके आ रहे हैं वो 40 हेक्टेयर में अंदर में है। उसी समय जो कम्युनिटी पट्टा होल्डर्स थे वो कंप्लेन किए कि यहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट चल रहा है और कुछ फैमिली 7-8 फैमिली आके यहाँ पे बस गए हैं। तो उस समय 2020 में ही SDFO फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनको इविक्शन नोटिस दिया और सोकोई नोटिस दिया कि आप लोग खाली कर दीजिए। 2020 की बात है, उस समय ये लोग जो 7 फैमिली आप देख रहे हैं वो कोर्ट गए, सिविल माननीय न्यायालय हमारा सिविल कोर्ट जो है गोमती वहाँ पे गए, बट कोर्ट ने हमारे इविक्शन नोटिस को हमारा जायज ठहराया और बोला कि इन लोग को इविक्शन, इन लोग का जो कंप्लेन है या इन लोग का जो ऑब्जेक्शन है वो जायज नहीं है, हमारा इविक्शन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इविक्शन नोटिस था उसको जायज ठहराया। उसके बाद फिर इन लोग कोर्ट गए और दिसंबर 2022 में लास्टली हम लोग का जो एक वर्डिक्ट आया माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया कि हमारा ये है। उसके बाद 6 महीने तक हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी बार बार हमने बताया इनको कि आप खाली कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने बोला है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला है। 6 महीना हमने इन लोग को टाइम दिया और पिछले 2 महीने में DFO, ADM, SDM, SDPO और भी जो जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे लोग आके काफ़ी बार इन लोग को समझाए कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएं, हम लोग इसको खाली करवाना है क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है। और लास्ट 24 आवर पहले भी हमने नोटिस दिया कि आप अपने सामान को, अपने जितने भी सामान को उठा लें चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम सामान अगर आप देखे होंगे तो ये लोग लेके चले गए हैं, कहीं पर शिफ्ट कर दिए हैं, और कुछ सामान जो था सिर्फ घर बचा हुआ था तो उन लोग, हम लोग को इविक्शन करना ही था क्योंकि अगर ना करने से कोर्ट का मानना का मामला आता, तो हमने आज इविक्शन किया और बहुत ही स्मूथली इविक्शन हुआ और आगे जो कार्रवाई है वो हम लोग देखेंगे। सर कौन कौन था ऑपरेशन में? आज ऑपरेशन में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इतने लोग आज काम कर रहे हैं। कितने पे मिले थे? टोटल 7 फैमिली थे बट हमने 6 फैमिली को इविक्ट किया, 1 फैमिली का अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है। निजस्व प्रतिनिधि रिपोर्ट, दुरंत टीवी।